हैप्पी न्यू कैलेंडर ईयर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबको, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू कैलेंडर ईयर। आज है 1/1/2023, यानी 1 जनवरी 2023 न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है कैलेंडर ईयर। तो दोस्तों, आज का हमारा प्लान है कि आज मैं विजिट करने वाला हूँ थाने बिबियाना मॉल में। यहाँ से 18-20 किलोमीटर है, तो टाइम तो हुआ था कि 10-11 बजे तक पिकअप करने पहुँचना है फ्रेंड को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, रात में लेट सोया था, इसलिए अब मेरी नींद भी लेट से खुली है। तो फिर अभी हम यहाँ से निकलते हैं, वो मुझे काफ़ी कॉल कर चुका है, मैं पहुँचता हूँ अभी, ठीक है? तो ये अपना ख्याल रखना। हे गाइस, वेलकम। मैं अभी यहाँ पर भिवंडी बाईपास पे खड़ा हूँ, घर से निकल कर फ्रेंड को पिकअप कर लिया है, और अभी 3.5 किलोमीटर लगभग दूर आ चुका हूँ मैं। यहाँ से अभी हमें थाने साइड जाना है, लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर होगा। तो फिर अब हम यहाँ से चलते हैं, बीच में मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। एक रिवर पास होती है, बहुत बड़ा कनेक्शन है मतलब भिवंडी से थाने का, मैं आपको उसका व्यू दिखा दूंगा। तो फिर चलते हैं। यार कैसे, हम तो घर से नाश्ता करके निकलते, लेकिन इसका नाश्ता तो रास्ते में ही होता है, तो थोड़ा इसको नाश्ता करा देते हैं यहाँ पर, पिला खिला देते, फिर हम चलते हैं। हे गाइस, फाइनली अब हम वहाँ ब्रिज पे पहुँच गए, मैं पीछे वीडियो में जिसकी बात कर रहा था। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम है थाने क्रिक ब्रिज, इसको भिवंडी थाने नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भिवंडी और थाने को जोड़ती है। और दोस्तों, ये जो नीचे रिवर पास हो रही है, उल्लास रिवर है, और इसका एंड होता है डायरेक्ट जाके अरेबियन सी में मिलती है। पीछे आपको जो पहाड़ी वाला एरिया दिख रहा है, वो पूरा मुंब्रा साइड है, और वो जो एक और ब्रिज दिख रही है, वो वाटर पाइप सप्लाई है, वो उसके लिए खास ब्रिज बनाया गया है। तो ये व्यू है ब्रिज का छोटा सा। हे दोस्तों, अभी हम जिस फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर माझीवाड़ा फ्लाईओवर है, ये बाजू में आप राइट साइड में जो देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये मेट्रो बन रही है, मेट्रो लाइन, जो कि भिवंडी से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी। और ये जो यहाँ पीछे आप टावर देख रहे हैं, ये जुपिटर हॉस्पिटल है, और इसके जस्ट बाजू में ही बिबियाना मॉल है। आपको दिखे ज़रूर, छोटा सा दिखेगा यहाँ पर मॉल, अभी वो देखिए जो छोटा सा दिख रहा है वही है मॉल। तो फिर चलते हैं। और ये जो ये ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये क्रॉसिंग है, ये डायरेक्ट आपको मॉल के सामने छोड़ता है गेट पर। हे गाइस, अभी हम फाइनली बिबियाना मॉल पहुंच चुके हैं। आपने व्यू देखा बिबियाना मॉल का बाहर का। अभी यहाँ पे हम पार्किंग लॉट में हैं, पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं, 20 रुपये की पार्किंग टिकट मिली है। वहाँ से हम सामने चलते हैं, सामने एंट्री है, चल दे। मॉल की एंट्री हमारे सामने। हे गाइस, अभी जस्ट मैं पार्किंग से यहाँ ऊपर आया है, कि मेरे पीछे आप देखिए कितना बड़ा पहाड़ है क्रिसमस का, कि 25 दिसंबर से अभी तक यहाँ पर ही लगा हुआ है, अभी यहाँ पर हटाया नहीं गया है। मैं आज 1 तारीख को आया हूँ, पीछे मेरे पीछे पहाड़ देखिए, मैं पहाड़ का पूरा अच्छे से व्यू गोल घुमा के ले लेता हूँ। नीचे गिफ्ट भी रखे, लेकिन बुरी बात यह है कि हम उसको छू भी नहीं सकते। हे गाइस, अभी मैं मॉल में एप्पल के शोरूम के जस्ट बाहर खड़ा हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ अंदर घूमने। मैं उनको पहले ही बोल दूंगा कि देख भाई, मेरे पीछे टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि मैं कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ, बस घूमने जा रहा हूँ और एसी की हवा खाने का। तो दोस्तों, ये शॉप का नाम, अब मैं एंट्री करता हूँ।
एंट्री करने का मुझे समझ में नहीं आता पहले लेफ़्ट जाऊँ क्या राइट, क्योंकि लेफ़्ट में अच्छे अच्छे पीसी रखे और यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस रखे। तो मैं बोला चलो पहले वॉच देखते, तो यहाँ पर क्या है डिस्क्रिप्शन में पढ़ा नहीं, बोला छोड़ो चलो वॉच देखते। तो मैं यहाँ पर ये वॉच उठा लेता हूँ, अभी वॉच उठाने के बाद मैंने कभी वॉच ऐसा पर्सनली यूज़ नहीं किया है, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे यूज़ करते, तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बोला चलो हटाओ इसको, रखता हूँ आगे बढ़ता हूँ। फिर जैसे ही रखने जाता हूँ वो चल जाते, फिर उसमें मैं कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन नहीं होता डेमो पर्पज़ के लिए, इसके लिए बोलते हैं कैमरा ऑन नहीं होगा, तो उसको मैं रख के आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं अभी गया, यहाँ पर ये आईफोन में मस्त अपनी बढ़िया सी कैमरा चालू करके फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद बाजू में फ्रेंड आईपैड पे पहुँच गया, अभी आईपैड है तो बोल चलो भाई आईपैड है तो फिर उसमें अभी कुछ कर लेते हैं, तो उसमें गेम लगा लेता हूँ। फिर गेम खेलते खेलते भाई क्या आता है कि अभी कोई देखा तो फिर बोलेगा भाई ऐसे क्यों गेम खेल रहे हो आप लोग, तो फिर याद आता है अरे भाई ये तो सब पूरा कस्टमर के लिए है, तुम जो मन चाहो वो करो। तो मैं बढ़िया सा गेम लगा लेता हूँ मस्त एडवेंचर वाला और मस्त उसको खेलता हूँ, एक लेवल पूरा क्रॉस करता हूँ 5 मिनट तक का। फिर मैं देखो अभी ये गेम लगा लिया, गेम का नाम मुझे पता नहीं क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आईपैड उठा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ था आईपैड और बहुत बड़ा था, मैं इसका कैमरा भी देखा था बहुत ज़्यादा साफ था। तो मैं ये गेम चालू कर लेता हूँ, कुछ नहीं करना है बस भागना है और मारना है, मतलब जैसे ना वो शेडो फाइटर की तरह गेम था ये, मैं शेडो फाइटर मैंने खेला हुआ है वही कॉपी ये लग रहा है मुझे। ठीक गेम खेलने मैंने टाइम पास कर लिया, थोड़ा एक लेवल खेलता हूँ उसके बाद बोलते चलो अभी ये गेम हुआ अभी जाते पीसी की तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये खेलने के बाद अभी पहुँचता हूँ मैं पीसी के बाद गेमिंग पीसी। ये देखिए यहाँ पे मैं अभी गेमिंग पीसी पहुँच गया। अभी ये पीसी में ना मुझे सब एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि मतलब ये कितना छोटा इसने कीबोर्ड दिया, ये नहीं है कीबोर्ड ये देखिए ये बाजू में है, मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ मतलब कितना छोटा कीबोर्ड है, बाप रे बाबा। गाइस अभी आईफोन के शोरूम से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर कुछ काम की चीज़ नहीं मिली हमारे क्योंकि बजट के बाहर है ना, तो ये अपने तक ही बात रखना, खैर देखते हैं बात। कौन सा लुइस आलिया भट्ट, आलिया भट्ट मिले भाई, आलिया भट्ट के साथ एक शूट तो बनता है, आ रही है क्या बराबर देख तो उधर से देख ऊपर ज़्यादा लाइट है अभी, हाँ अभी आ रही है फोटो खोली रहे गाइस। बस ऐसे ही पूरे मॉल में हम लोग बस घूमे 2.5-3 घंटे, जो ज़्यादा अच्छा लगता है व्यू बाहर का वहाँ घुस जाते हैं अंदर और अंदर जाते टाइम पास करते फोटो खींच कर बाहर चले जाते, बस यही कर रहे थे पूरे मॉल पर, भाई कुछ नहीं किए है। देखो बस देखो बाहर से हमारे लिए कुछ चीज़ नहीं रहती वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं रखते वो जो मुझे पसंद आए, मेरा जितनी वैल्यू है मैं जितना उतना एफोर्ड नहीं कर सकते, बोले फिर से आ गया सेंटा विलेज पीछे देखो। लगभग 2 घंटा घूमने के बाद दोस्तों हमको 3rd फ्लोर पे मॉल के फूड मार्केट मिलते हैं, यहाँ से पूरा लाइन से फूड खाने की चीज़ है, तो यहाँ पे हम जाके 2 मीडियम साइज़ का वेज बर्गर ऑर्डर करके दबा कर खाते हैं। हे गाइस अभी मैं मॉल के टॉप फ्लोर पर हूँ, यानी 3rd फ्लोर से का ये व्यू है, देखिए क्रिसमस काफ़ी बड़ा है, लगभग 2.5 माले इतना है, ये एक छोटा सा व्यू है बस, मतलब जिधर तक कैमरा शूट कर पा रहा है उधर तक के, बाकी मॉल तो बहुत बड़ा है और सच में मॉल बहुत ही ज़्यादा नीट थी, बहुत अच्छा मॉल था, मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ तो दोस्तों अभी हम घूम फिर लिए, अब मतलब बोर जैसा लग रहा है, यहाँ पर 2.5 घंटे बीत चुके, 3:30 बजे का टाइम हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब कर लिया, यहाँ पे गए थे एक्सपेंसिव तो था मगर अच्छा था, आए तो खाना ही पड़ेगा, तो अभी हम निकल रहे हैं अब पार्किंग जोन की तरफ, वहाँ से जाके गाड़ी लेके फिर निकलेंगे घर। हे गाइस अभी मैं मॉल के बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पे अब घर जाना है हमको, मज़ा आया हमको बहुत, 2.5 घंटे वहाँ पर इंजॉय किए बस, घूमे यहाँ वहाँ, काफ़ी शोरूम्स में गए, मस्ती मजाक किए खाए पिए,
तो मज़ा आया हमको। आपको कैसी वीडियो लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।